देश में इस बार धान की सरकारी खरीदी 9% ज्यादा हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चार प्रमुख धान उत्पादक राज्यों ने समर्थन मूल्य पर ज्यादा खरीदी की है, जिसमें पंजाब, हरियाणा के साथ तेलंगाना और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। सरकारी खरीदी के दबाव में और पुराना स्टॉक हाथ में न होने के चलते फिलहाल बासमती चावल के दाम उत्पादक मंडियों में तेजी के साथ कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। स्टीम बासमती की प्रमुख किस्म 1509 में 200 रुपए की तेजी आ चुकी है। इसी के साथ 1401 किस्म में भी 200 रुपए की तेजी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट व होटल में चलने वाली किस्म 1121 बासमती के दाम तो 300 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ चुके हैं। वहीं इंदौर में भी चावल व्यापारी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष का कहना है कि दरअसल बासमती चावल में सीमित स्टॉक के कारण न केवल घरेलू मांग उभरी है बल्कि एक्सपोर्ट डिमांड भी बनी हुई है। ऐसे में दाम लगातार तेज हो रहे हैं। महीने भर पहले ही दामों में बढ़ोतरी हुई थी, अब नए माल की आवक आते ही दामों में 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी और तय मानी जा रही है। दिसंबर में प्रदेश के बाजारों में नए चावल की आवक होगी। हालांकि गैर बासमती मोटे चावल के दाम फिलहाल स्थिर बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।